Alright guys, welcome back to the channel everyone. This is your usual Paras and this is one of the most exciting days for me today because aaj launch ho gayi hai Cricket 22. Yes, Cricket 22 launch ho gayi hai aur Cricket 19 I think bahut achhi thi but again ek nayi game ki excitement alag hi hoti hai yaar. And very excited to see ki kya changes aaye is game mein. I mean cricket game hum Indians ke liye ek emotional कनेक्शन है इस गेम के साथ, स्पोर्ट के साथ. तो जब भी क्रिकेट की नई गेम आती है जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बस लगा लो किसी और ही लेवल पे होता है. तो उतना एक्साइटेड आज मैं हूँ और मैं तुम्हें बताऊँ आई कैन नॉट रियली वेट टू गेट इन टू इट एंड प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट. तो ये मैंने ऐसा है कि प्री ऑर्डर तो करी नहीं थी और 25 नवंबर को गेम लॉन्च होनी थी, वो डिले होगी. आज 2 दिसंबर को ये लॉन्च हो गई है बट मोर इम्पोर्टेंटली मैंने प्री ऑर्डर नहीं करी थी इसलिए मैंने नेट चैलेंज वगैरह कुछ नहीं खेला. मैंने ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं देखी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू होने वाला सारा एक्सपीरियंस. जो मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि मैं एक स्ट्रेट अवे एक मैच लगाऊंगा और अपना फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यू वीडियो है. ये कोई सीरीज़ नहीं मैं स्टार्ट कर रहा, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन और रिव्यू वीडियो. और मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊँगा कि क्रिकेट के रिगार्डिंग कैसा कॉन्टेंट आने वाला है, मेरा प्लान क्या है. ज़्यादा टीम्स अभी लाइसेंस नहीं है, ज़्यादा टीम ना कम्युनिटी में मुझे लगता होंगी पर मैं वो अभी देखना नहीं चाहता. अभी एक न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच लगाएंगे, T10 मैच होएगा. लंबा मैच नहीं क्योंकि मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ गेम प्ले डायनेमिक्स कैसे है, क्या क्या चेंजेस है, ग्राफिक्स कैसे है. केन विलियमसन मुझे क्यों इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला बंदा लग रहा है यार, सीरियसली मैन. बट एनी हाउ आई थिंक मुझे इतना जहाँ तक अभी तक दिख रहा है कि जो मेन्यूज़ है वो काफ़ी रिफाइंड करती है इस गेम में, रिफाइंड काफ़ी कर दिए. T10 गेम लगाएंगे और पता नहीं यार क्या क्या चेंजेस रहेंगे. मुझे बॉलिंग एक्शंस मुझे इतना पता कि नए आए हैं काफ़ी. बुमराह वाली मैंने एक वीडियो देखी है, बुमराह और अश्विन वाला वीडियो जो इसमें उसके उनके एक्शन दिखाए गए हैं. स्टेडियम वाइज आई थिंक न्यूजीलैंड का तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, इंग्लैंड के काफ़ी है, ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत सारे हैं, वेस्ट इंडीज़ के भी काफ़ी है यार, और अदर तो है ही है चलो. बट दैट इज़ समथिंग एल्स, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हम बाद में देखेंगे जैसे जैसे हम कोई सीरीज शुरू करेंगे. अभी एक T10 गेम लगाएंगे, छोटा सा मैच लगाएंगे और थोड़ा इन्जॉय करेंगे, यही है सिंपल सी बात. यहाँ सिर्फ नाइट गेम ही होगी. डिफ़िकल्टी देखो मैं ज़्यादा हार्ड नहीं जाना चाहूँगा बट येस ये भी सही है यार, हार्ड आई थिंक हार्ड रखता हूँ, नहीं चलो नॉर्मल रख लेते हैं. क्योंकि पता क्या, जब तुम नई गेम खेलो तो ज़्यादा हार्ड करके जब तुम वो गेम खेल ही नहीं पाओगे तो उसको तुम जज कैसे करोगे, ठीक है ना. तो ठीक है, नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस गेम गाइस. मेन्यूज काफ़ी रिफाइंड लग रहे हैं यार, काफ़ी रिफाइंड. ऑलराइट, सो हियर वी आर विद द नेशनल एंथम्स. ये सब कुछ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं. ऑब्वियसली इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़, 5 टीमें इंटरनेशनल लेवल पर जो लाइसेंस्ड है. और कुछ T20 लीग्स है, BBL है, करेबियन प्रीमियर लीग है, T100 है. और दिस इज़ द वर्स्ट थिंग कि नई कॉमेंटेटरी टीम भी है और ओवरले बहुत अच्छा लग रहा है ब्रॉडकास्ट का. टॉस इज हेयर एंड इंग्लैंड कॉल्स टेल्स एंड दे हैव वॉन द टॉस एंड हैव इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. फैंटेस्टिक, मतलब मेरा तो बैटिंग करने का ही मन होता है ज्यादातर. ओके, ये कैमरा मैं यूज नहीं करने वाला, तो ये कैमरा मैं यूज करने वाला. हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ क्रिकेट 22 फॉर अस, क्रिस वोक्स एंड ओ ओ ओ ओ, ये क्या था, इट्स अ स्लो वन टू स्टार्ट ऑफ विद, गुड है. ये ओवरले मुझे ब्रॉडकास्ट ओवरले बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. क्रिस वोक्स सेकंड बॉल शॉट एंड स्ट्रेट टू द फील्ड. ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा पर ग्राफिक्स काफी रिफाइंड है. ऑन टू द बैक फुट एंड दैट इज इनटू द गैप एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट बाउंड्री ऑफ क्रिकेट
22. That is fantastic, guys. A pretty good back foot drive by Guptill, and we are up and running. Short ball and straight into. Oh, that has been dispatched for 6. Oh, balle mere yaar, maza aa gaya. And that will be a single. So Moin Ali aa gaya. Batting thodi si mujhe different lag rahi hai, par zyada different nahi hai. Stance acha lag raha mujhe. ओए होए 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 ऑलमोस्ट. और रनिंग कैमरा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. नो 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 स्टे. मैं जैसे जैसे ये गेम खेल रहा हूँ ना, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि एशेज खेलने का और अलग अलग सीरीज खेलने का, बहुत मजा आने वाला बॉयज. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. आजा आजा आजा. बाउंड्री तो नहीं होगी ये. लेट्स कम बैक फॉर 3. सी जो रनिंग कैमरा नीचे दिखा रहा है, दैट इज वेरी वेरी यू नो ब्रॉडकास्ट लाइक. या ओ दैट इज गोइंग टू बी क्लोज. बच गए. ग्राफिकली मैं जैसे कह रहा हूँ कि काफी रिफाइंड है, 4K में चल रही है PS5 पे, 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे भी है, तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है. और एक्शंस बहुत अच्छे हैं बॉलर्स के. वो राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट एंड दैट विल बी अ मैक्सिमम. मजा आ गया यार, फैंटास्टिक. लाओ जी अब्दुल रशीद भी आ गया. अब सॉरी आदिल रशीद आ गया. इसका एक्शन देखते हैं, सिंपल है. वो इन द एयर. ओह बच गया. ओहो ये क्या था भाई. ओके नेक ऑन. Big ants, first bug. तो गेम्स में क्या होता है, जैसे जैसे पब्लिक की फीडबैक आती है ना, वैसे वैसे वो रिफाइंड अपडेट्स आते रहेंगे आई एम श्योर. बट दिस लुक्स रियली गुड. इन द एयर एंड ही ड्रॉप्ड हिम. और रन आउट ना हो जियो. ओ बच गए. एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर. इट्स अ प्रीटी सिंपल कैच टू ड्रॉप बॉयज. इतना इजी कैच छोड़ दिया यार इसने तो. वो बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया. स्ट्रगलिंग सॉर्ट ऑफ अगेंस्ट द स्पिनर्स. आई थिंक पेसर्स के खिलाफ टाइमिंग ज्यादा अच्छी जा रही है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स. ओ हो पेशेंस. लेट द बॉल कम ऑन टू द बैट. आई थिंक आई एम जस्ट हरिंग इन टू एवरी शॉट दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ अगेंस्ट द स्पिनर्स. See, this was good. Off the middle of the bat, straight to the fielder butt. Three consecutive dots and the batters have lost any momentum they might have had. Come on now. In the air. Is it going all the way? It is going all the way. That's the maximum. It's a 6. It's a huge one. That is fantastic, boys. That is fantastic shot. Look at this shot. Wow, straight out of the middle of the bat and into the stand it goes. Okay, ye kon aage? Chris Jordan. All right, so good start here for us. 4 overs have gone, 33 on the board and we have not lost any wicket so far. Oops, ye kya kar raha hu yaar main. I think jo marker hai kafi late aa raha hai, so uski wajah se thodi si confusion ho rahi hai. But I think we will get used to it. I think वो मैंने back foot वाला shot क्यों दबा दिया. I think मैं short ball expect कर रहा हूँ. Oh, ban the tournament. फिर वही कर दिया मैंने. मैंने फिर से back foot वाला button दबा दिया. And it was a yorker यार. So we lose our first wicket. Daryl Mitchell is gone, which brings in Kane Williamson. So the skipper on to the crease. Here comes Chris Jordan once again. Short ball. We go on to the front foot this time. In the air and over.
mid on, and that is a boundary, guys. That's a pretty good shot, to be honest with you, against the spinner. Just look at that. That's a good angle. Yeah. The replays look pretty good. Oi, 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 yaar. Thoda struggle kar raha. Oi! Kya baat kar rahe ho, yaar? Kis baat ki appeal hai? Nahi lenge. Obvious hi baat hai. Oh! ओह यार इसके ऊपर इन्होंने रिव्यू ले लिया. नो बॉल नहीं है. दिस इज इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ मिसिंग स्टंप्स एज वेल. देख लेना तुम, इतना क्लियर था यार ये. कहाँ से इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ एंड मिसिंग द स्टंप्स एज वेल. ऑलरेडी नॉट आउट है. इट डजंट मैटर इफ इट हिटिंग और नॉट, बट इट इज मिसिंग एज आई वॉज सेइंग. I don't know what a pathetic review that was. They lose a review as well. किस बात के लिए रिव्यू लिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा. चलो शायद मुझे दिखाना होगा कि कैसा रिव्यू सिस्टम, जो कि काफ़ी सिमिलर है जैसा पिछली गेम में था. यॉर्कर स्ट्रेट इन टू द हैंड्स ऑफ द फील्डर. ओह राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट. And that is going to be a boundary. Yeah, that is pretty good. That was straight. That was pacey. And it's only needed was timing. Sirf timing ki zarurat thi. That's what we concentrated on. I think if we wait for the delivery to come to us, I think that is the best option. Oh, again. Yep. We sneak a single. That is pretty cheeky. ठीक है यार, मजा आ रहा. मतलब क्रिकेट की गेम खेलने का अपना ही मजा है. तुम जो मर्जी गेम खेल लो. मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा हूँ, फीफा खेल रहा हूँ, पर क्रिकेट क्रिकेट ही है. यॉर्कर वंस अगेन स्ट्रेट टू द फील्ड बट. सो क्रिकेट खेलने का अपना ही मजा है यार. मतलब मजा आता है. थोड़ा इमोशनल कनेक्ट है यार हमारा क्रिकेट गेम के साथ, क्योंकि हमारे इंडिया में इट्स लाइक अ रिलीजन. दिस इज नॉट अ स्पोर्ट, दिस इज अ रिलीजन. तो जो मर्जी गेम खेल लो. वो दैट इज अ ब्यूटिफुल शॉट. फर्स्ट बॉल फ्रॉम मिल्स एंड दैट हैज बीन डिस्पैच्ड फॉर बाउंड्री एंड दैट इज अ फोर राइट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट. केन विलियमसन दिस टाइम एंड दैट इज वन बाउंस इन टू द बाउंड्री. ठीक खेल रहा हूँ यार मैं अपने पहले गेम के हिसाब से. आई नो नॉर्मल डिफिकल्टी रखी है, बट स्टिल यार, क्योंकि काफी गेम प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है. आई थिंक दिस इज बिकॉज हमने क्रिकेट 19 भी काफी टाइम से नहीं खेली. आई थिंक मैंने कोई क्रिकेट गेम ही नहीं खेली यार पिछले कई टाइम से, शायद इसकी वजह से भी. ओ यार अगेन हरिंग इन टू द शॉट पारस. वेट कर बॉल की आएगी, बैट पे आएगी तब दबाएंगे. ओए होए 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 यार क्या कर. स्पिनर्स के साथ ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं मैं एज कंपेयर टू पेसर्स ना. स्पिनर्स के साथ ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूं. In the air and one bounce. बच गए. I think out होने की मेरे को इतनी टेंशन नहीं है. मैं ज्यादा से ज्यादा नई शॉट्स ट्राई करना चाह रहा हूँ इस टाइम पे. ज्यादा मुझे आउट होने की टेंशन नहीं है इस टाइम पे. गप्टिल सही खेल रहा है यार. चलो चलो कोई ना. गुड शॉट बट दैट विल जस्ट बी अ सिंगल. I hope the AI is improved now. मुझे पता वो एक बड़ा मैच खेलने के बाद पता चलेगा. थोड़ी सी ज्यादा हार्ड डिफिकल्टी पे खेलने पे पता चलेगा. ओए होए 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 हाउ डिड दैट मिस द स्टंप्स. दैट इज द एंड ऑफ द ओवर. नाउ मिल्स कम्स ऑन टू बॉल द लास्ट ओवर ऑफ आवर इनिंग्स गाइस. एक ओवर रह गया बस अब. ओए ओ निकल गया. दैट शुड बी अ बाउंड्री. इट इज अ बाउंड्री. Not quite of the middle of the bat, but the fielding position was pretty bad from England. I think the mid-off was in,
and because of the pace, I think it just went past him, and that's a boundary. Edge and gone. Oye, ये क्या था? इतना डर के क्यों उंगली उठा रहा है भाई? मैं कुछ नहीं कह रहा तेरे को, सच्ची क्या? ये क्या था यार, एम्पायर कंफ्यूज था क्या? मैं नहीं कंफ्यूज इस टाइम पे, पर मैं फिर भी रिव्यू लेने वाला हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कोई स्निकोमीटर या किसी चीज में चेंज किया हॉटस्पॉट वगैरह में. नो बॉल नहीं है एंड इट इज एन एज, इट्स एन इनसाइड एज एंड इज गॉन अगेन. ये एम्पायर बहुत डरा डरा सा दे रहा है डिसीजन. क्यों? ब्रिंग्स इन कॉनवे ऑन टू द स्ट्राइक और मिल्स इसको भी अराउंड द विकेट आ रहा है लेफ्ट हैंडेड को. अच्छा, इन द एयर बट नो, स्ट्रेट टू द फाइन लेग फील्डर एट द बाउंड्री. आई थिंक जैसे जैसे आई थिंक द पहली सीरीज में खेलने वाला हूँ वो एशिज होने वाली है. उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ तुम्हें. अब रीजन ये है कि एशिज में हम टेस्ट मैच खेलेंगे और अगर आपने क्रिकेट में अच्छी बैटिंग सीखना चाहते हो इन रियलिटी एज वेल, यू हैव टू प्ले अ टेस्ट गेम. और क्रिकेट गेम जो हम इसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट मैच खेलो, थोड़ा बैटिंग की प्रैक्टिस होती है और इट्स अ मच टफर लेवल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो रिफाइनमेंट ज़्यादा आती है जब तुम टेस्ट मैच खेलते हो. और मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है. आई स्टिल इवन इन द टाइम ऑफ T10s, T20s, आई स्टिल फाइंड टेस्ट क्रिकेट टू बी द अल्टीमेट क्रिकेट फॉर्मेट. सो आर इनिंग्स इज ओवर नाउ एंड आई गेस वी हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब फॉर आवर फर्स्ट गेम. All right, so time for bowling now. अब bowling में इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, arcade style ज़्यादा किया, but अब marker तो मुझे दिख नहीं रहा, वो marker उधर ही है, दिखी जाएगी. Okay, थोड़ी confusion थी इसलिए. अब मुझे marker नहीं दिख रहा यार, ये तो बड़ी दिक्कत है. वो रहा marker, पर इस कैमरे से तो दिखेगा नहीं वो marker. तो bowling डालने के लिए जा तो मैं ये arcade style वाला ना यूज़ करूँ, जा फिर मैं ये कैमरा बदलूँ बॉलिंग के लिए. आई थिंक फिक्स क्लोज इज द बेस्ट कैमरा दैट आई यूज. मैं शायद इस कैमरे को यूज करूंगा फॉर बैटिंग एज वेल, बट मुझे ब्रॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, शायद मैं आर्केड स्टाइल ऑफ बॉलिंग ना यूज करूं. आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट थिंग. एंड दैट्स अ बाउंड्री टू स्टार्ट ऑफ फॉर इंग्लैंड. दैट इज जेसन रॉय being at its best. Just slapped it for boundary. So मैं वही कह रहा था कि टेस्ट क्रिकेट मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अभी भी, इवन इन द डे एंड एज ऑफ T20s आई थिंक. बट आई थिंक बींग अ 90s kid, yes, T20 was like in 2007 that we started following it. So till then I think 50 over और टेस्ट क्रिकेट ही खेला या देखा. तो मुझे बहुत मज़ा आता है टेस्ट क्रिकेट अभी भी देख के, स्पेशली सीरीज लाइक एशेज with the intensity is so high, तो मुझे वो मजा आता है. आई थिंक क्योंकि फील्डिंग कैमरा मुझे मजा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा क्लोज है. आई थिंक ये ब्रॉडकास्ट स्टाइल में ही सही रहेगा तो मजा आएगा. आई थिंक अभी तक मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट विद यू फ्रॉम क्रिकेट 19. ये थोड़ी रिफाइंड है ये गेम एंड आई थिंक फॉर ऑल क्रिकेट लवर्स, आई थिंक इफ देयर आर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स टू एवरी iteration that is launched, I think I'm pretty happy about it. But धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो चलता रहे, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हमें हर गेम में चाहिए. तो क्रिकेट 22 आई थिंक इट लुक्स गुड. इट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव नॉट यू नो एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट. इट्स अ गुड थिंग कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे यार इन्होंने. सो लेट्स सिमुलेट द गेम नाउ. आई थिंक बॉलिंग डाल के मुझे कभी भी नहीं मज़ा आता और आज मेरा बॉलिंग डालने का बिल्कुल भी मन नहीं है. ऑल दो जब मैं सीरीज इसकी डालूंगा तो बॉलिंग भी करूंगा, ट्राई करूंगा यार बॉलिंग करने की, क्योंकि कई लोगों को जो लोग तुम लोग वीडियोस देख रहे हो उन लोगों को बॉलिंग देखना भी पसंद है, कई लोगों को बॉलिंग पसंद होगी, तो उन लोगों के लिए मैं करूंगा. याद रखना बॉलिंग भी करेंगे. वी हैव लॉस्ट द गेम ऑब्वियसली, इतना बड़ा टोटल नहीं था कि डिफेंड कर सकते थे हम. तो फर्स्ट गेम T10, अभी क्या है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आई हैव सम वर्क एज वेल. तो अभी मैं बस ये गेम डाउनलोड हुई थी तो मैं बस गेम खेलना चाह रहा था, तो इसलिए
अब जो हम कम्युनिटी भी देख लेते हैं इसकी, तो मैच में एक ही खेलने वाला हूँ, थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं यार क्या क्या है गेम में। अभी क्या है कि मुझे लगता नहीं कम्युनिटी में ज़्यादा 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 कोई टीमें होंगी, और देखते हैं यार, क्योंकि टीम्स तो ज़रूरी है। तब तक 5 टीमें हैं हमारे पास। तो अभी देखो ये बी सेंसर्ड आई सेंसर्ड, ये क्या चीज़ है, इसमें ये क्यों लिखा हुआ सी सेंसर्ड, कस्टम टीम, डिफेंडर्स, दिल्ली, डी सेंसर्ड। ये बांग्लादेश को बी सेंसर्ड क्यों लिखा हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ जाते हैं आई थिंक, वो बेस्ट वाली कर देते हैं ना, रिप्लेस विद बेस्ट वाला। और ऑब्वियसली बात है कि पहली, ओए नहीं ये तो इंग्लैंड को कर दिया मैंने, इंग्लैंड एक लाइसेंस टीम है तो नहीं हो सकता रिप्लेस। तो इंडिया लेते हैं ना पहले यार, इंडिया इंडिया को करे ठीक। ओके हाँ ठीक है कर दे। आई सेंसर्ड ये क्या है, तो नाम तो बदल दूंगा मैं, बट मेरे को बाकी चीज़ें भी दिखाओ ना यार, नाम तो चेंज हो जाएगा। मैंने स्क्वाड में देखूँ ले, अभी तो स्क्वाड भी नहीं आया। ये थोड़ी सी फुद्दू बनती है, बट आई थिंक वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जैसे जैसे कम्युनिटी वाले बनाएंगे। आई थिंक इट्स इट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, क्रिकेट हैज़ सम ग्रेट कम्युनिटी बिल्डर्स गाइज। सो मुझे पूरा यकीन है कि नई टीम्स आ जाएंगी, नई किट्स भी आ जाएंगी। तब तक हमारे पास है ना यार 5 टीमें। पहली चीज़ तो मैंने ऐशीज ही खेलनी है, ठीक है, फिर मैं अपन न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ की एक सीरीज़ लगाएंगे, उसके बाद हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ लगा लेंगे, इंग्लैंड का टूर करा देंगे वेस्ट इंडीज़ को, आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ करवा देंगे। तो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। सो एनी हाउ गाइज, दिस इज़ इट, आई थिंक आई एम गोइंग टू रैप अप द एपिसोड हेयर ओनली। एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो थी ये ज़्यादातर, और आई एम श्योर कि बहुत सारा कंटेंट आने वाला तुम लोगों के लिए। गॉड ऑफ वॉर भी खेलते रहेंगे, बहुत सारी सीरीज़ है, क्रिकेट हम पक्का खेल लूँगा यार मैं अब की बार, सीरियस स्टफ विद क्रिकेट, एक्साइटिंग सीरीज़ खेलेंगे यार। मैं शायद करियर मोड वाला बंदा नहीं हूँ, पर बहुत सारी एक्साइटिंग सीरीज़ खेलेंगे जो हम देखना चाहते होते हैं टीवी पर। सो इंडिया पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़, ऑल दीज थिंग्स आई थिंक वी आर ऑलवेज सो एक्साइटेड अबाउट इट। सो एनी हाउ गाइज, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड गाइज। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, गो हैड एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन एज वेल। सो थैंक यू सो मच, दिस इज योर यूजुअल पारस साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड कीप गेमिंग गाइज, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।